हमको क्वेश्चन दिया है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई क्या है? इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। लेट अ रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, जहाँ पे आपके ए और बी क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर से आते हैं। डिफाइंड इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर, जो आपका रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ए माइनस बी क्या है, इवन इंटीजर है। तो हमको शो करना है कि ये वाला रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या बोलता है, जो चीज़ है वो खुद के साथ रहना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो देखो, मान लेते हैं कोई नंबर एक ए है, लेट ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आई चाहिए। करने का मतलब इस रिलेशन के अंदर रखो, जहाँ बी है वहाँ पर भी ए आएगा, तो करने का मतलब ए माइनस ए बिलोंग्स टू आई आना चाहिए। तो देखो ए ए माइनस ए मतलब क्या, जीरो, और जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। करने का मतलब ए सारे ए माइनस ए क्या इंटीजर्स के अंदर आएंगे, करने का मतलब हमारे पास जीरो ही आएगा। हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है हमारा, पर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आप लिख लेना, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हैंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री कंडीशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी है, तो अगर ए कॉमा बी आते हैं तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट ए और बी दो नंबर है जो कि इंटीजर्स के सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिर करते हैं हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो पहले क्या होते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, क्या इज एन इवन नंबर। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ए माइनस बी इवन है, और क्या करो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का बी माइनस ए मिलेगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकालो क्या बना, बी माइनस ए बन गया। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी बनेगा प्लस ए बनेगा, ओवरऑल तो वही बनने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर a माइनस बी आपका इवेन है, तो b माइनस ए भी तो इवेन होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो ये जो आपका b माइनस ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप सिंपली सिंप्लीफाई करके माइनस ऑफ a माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो जब यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी का, देखा मतलब वो सिंपली क्या लिखा हुआ है, b माइनस ए ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर a कॉमा b r के अंदर आता है, कहने का मतलब a माइनस बी इवन है, तो आपका b कॉमा a, कहने का मतलब b माइनस ए भी इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर a कॉमा b आता है तो b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको लिख देना विच इज अ इवन नंबर, विच इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, फिर लिख लेना आप एक लाइन, हैंस आर इज आल्सो सिमेट्रिक, हैंस आर इज आल्सो, आर मतलब रिलेशन, ये जो रिलेशन डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, आर इज आल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए हमको तीन नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं तीन नंबर हमारे पास है, लेट ए बी सी जो के इंटीजर्स के सेट के अंदर से आते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन हमारे पास ए कॉमा सी आल्सो आर के अंदर आने चाहिए, ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या मिला हमको, ए माइनस बी एक इवन नंबर मिला, ए माइनस बी क्या है, इवन है, इसको बना दो इक्वेशन नंबर वन। फिर क्या करो, मान लो आल्सो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो बी माइनस सी होगा वो भी क्या होगा, एक इवन होगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करो, पहले और सेकेंड को ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये गया, कहने का मतलब ए माइनस सी बना। तो देखो हमने क्या बोला, जब ए कॉमा बी है तो हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी इवन होगा। फिर क्या बोलते हैं, हम बी कॉमा सी
आर के अंदर आता है तो बी माइनस सी इवन होगा। तो वैसे ही अगर हम ए माइनस सी ला दिए हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। आर मतलब जो इंटीजर का सेट है उसके अंदर बात चल रही है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। लिख लेना अभी एक लाइन, हैंस द गिवन रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ए माइनस सी विच इज आल्सो इवन। ठीक है, विच इज आल्सो इवन। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हैंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम क्या बोल सकते हैं, जो रिलेशन है हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।